नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पीजीटी की तैयारी के लिए बोल रहे थे, तो अभी मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मैं ज्यादा टाइम चैनल को नहीं दे पा रही हूँ। और तैयारी के लिए एक बिल्कुल शेड्यूल बना के और अच्छे से तैयारी करवाना मैं चाहती थी, लेकिन शायद इस बार ये संभव नहीं हो पाएगा। आगे व्यवस्था बनेगी तो मैं आपको अवश्य ही सूचित करूंगी। अभी आज के वीडियो में मैं संस्कृत साहित्य से नाटककार भास के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दे रही हूँ। यदि आपके पास उपलब्ध है तो बहुत अच्छा है, वरना लिख लीजिए। इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, जो कुछ है आपको इतनी में मिल जाएगा। से मैं सारे नाटककारों को आपको बता दूंगी, आप चाहिएगा तो उनको लिख कर रख लीजिएगा, या आपको ऐसे याद हो जाए तो आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नाटककार भास की, जो आपके कोर्स में लगे हुए हैं। भास का जीवन वृत्तांत अज्ञात है, यानी उनके जीवन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। कालिदास जी ने इन्हें नाटककार की मान्यता देते हुए मालविकाग्नि मित्रम नाटक में सादर स्मरण किया। कालिदास जी ने अपने नाटक मालविकाग्नि मित्रम में भास को याद करते हुए, आदर सहित याद करते हुए ये कहा है, प्रथित यशासाम भास सौमिल्लः। इससे ये अनुमान होता है कि ये कालिदास के पूर्ववर्ती यानी पहले के ही। बाण भट्ट, वाक्यातिराज तथा जयदेव ने भी इनकी प्रशंसा की, ठीक है। अगर इनके साहित्य की बात की जाए तो साहित्य परिचय में इनके सबसे पहले हम उदयन मूलक नाटकों की बात करेंगे। उदयन मूलक नाटक से मतलब है जिसमें इन्होंने उदयन की कथा का वर्णन किया है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले स्वप्न दास वदत्तम उनका नाटक है, उदयन मूलक नाटक, जो 6 अंकों का, ठीक है। 6 अंकों का ये नाटक है, जिसमें उदयन, राजा उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन किया गया, ठीक है। उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन इस 6 अंक के नाटक में किया गया है। उसके बाद अगर बात करें प्रतिज्ञा योगंध नारायण, ठीक है, प्रतिज्ञा योगंध नारायण, ये 4 अंकों का नाटक है। इसमें भी, क्योंकि ये सारे उदयन मूलक नाटक ही मैं आपको बता रही हूँ दोनों, तो इसमें भी उदयन और वासव दत्ता की प्रेम विवाह के साथ ही योगंध नारायण द्वारा उदयन राजा को प्रद्योत से छुड़वाने का वर्णन, ठीक है। पहला जो है स्वप्न वासव दत्तम में किस तरह से उदयन ने स्वप्न देखा था और किस तरह से उनकी प्रेम कथा आगे बढ़ती है, इसके बारे में है। और प्रतिज्ञा योगंध नारायण में उसी को आगे जो उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कथा है, उसके साथ में ही जो उनके मंत्री हैं किस तरह से उदयन को राजा पद जो प्रद्योत होते हैं उनकी कैद से किस प्रकार से छुड़वाते हैं, इसका वर्णन किया गया है। ये है इनके दोनों उदयन मूलक नाटक। इसके बाद राजा भास की, अगर हम सॉरी नाटककार भास की बात करें तो इनके महाभारत कथा मूलक नाटक देख लेते हैं, ठीक है। महाभारत कथा मूलक अगर इनकी नाटक की बात की जाए तो इनका पहला है बाल चरितम 5 अंक का ये नाटक है। बाल चरितम में कृष्ण के जन्म मथुरा जाने तक की, मथुरा गमन तक की कथा का वर्णन किया गया है। कृष्ण के जन्म से मथुरा जाने की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। दूसरा है महाभारत कथा मूलक पंचरात्रम, ठीक है। पंचरात्रम नाम से पता चल रहा है 5 रात्रि है, ये 3 अंकों का नाटक है। यज्ञ की समाप्ति पर गुरु द्रोण द्वारा पांडवों का राज्य वापस दिलाए जाने के प्रयत्न का वर्णन इसमें है। पंचरात्रम नाटक में यज्ञ जब समाप्त होता है उसके बाद गुरु द्रोण द्वारा पांडवों को राज्य वापस दिलाने का जो प्रयास किया गया उसका वर्णन इस नाटक में किया गया है। अगला नाटक है महाभारत कथा मूलक दूत वाक्यम, ये एक एकांकी है। युद्ध के पूर्व कृष्ण का पांडवों के दूत के रूप
दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर जाने का वर्णन इसमें कहा। आपको सभी को महाभारत की कथा का पता है ही है, तो दूत वाक्य में युद्ध के पहले श्री कृष्ण जब पांडवों की दूत बनके दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं, इस नाटक में इस एकांत में इसी का वर्णन किया गया है। अगला इनका महाभारत मूलक नाटक है भास का अरुभंगम, उरुभंगम, ये भी एक एकांकी है। भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा भंग करने का इसमें वर्णन किया गया है। युद्ध में जब भीम दुर्योधन को युद्ध में हराते हैं, उनकी जंघा भंग करते हैं, तोड़ते हैं अपनी गदा से, इसमें उसी का वर्णन किया गया है। और उसके अलावा इनकी है दूत घटोत्कच, ये भी एक एकांकी है। इसमें अभिमन्यु की मृत्यु के बाद, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद कृष्ण द्वारा घटोत्कच को दूत बनाकर दूत के रूप में धृतराष्ट्र के पास भेजने तथा दुर्योधन द्वारा उनके अपमान का वर्णन है ना। इसमें क्या होता है, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण घटोत्कच को धृतराष्ट्र के पास दूत बना के भेजते हैं, लेकिन दुर्योधन का अपमान करता है, और इसमें इसी कथा का वर्णन किया गया है। अगला नाटक है मध्यम व्यायोग, ये भी एक एकांकी है। इसमें भीम हिडिंबा तथा घटोत्कच के पुनर्मिलन का वर्णन, आप हिडिंबा को जानते ही होंगे, भीम की पत्नी थी, ठीक है, इनका पुनर्मिलन, उनके पुत्र घटोत्कच व पत्नी जो हिडिंबा थी, भीम का उनसे पुनर्मिलन का वर्णन इस नाटक में किया गया है। कर्ण भार, ये भी एक एकांकी है। कर्ण द्वारा इंद्र को कवच कुंडल दान करने का इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद अगर बात करें रामायण मूलक नाटक, ठीक है, रामायण मूलक नाटक में अगर बात करें तो इनका है प्रतिमा नाटकम, 7 अंकों का है ये। इसमें संपूर्ण राम कथा का वर्णन संक्षेप में किया गया है। इसके बाद अभिषेक नाटकम है, 6 अंकों का है। इसमें किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक राम के राज्य तथा राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। किष्किंधा कांड से युद्ध कांड और राम के राज्याभिषेक का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। ज्यादातर प्रश्न इतने में से ही आपको पूछे, कुछ भी बाहर नहीं पूछा जाता है। आप पहले इनको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, उसके बाद यदि आप चाहते हैं और पढ़ना तो प्रयास, कई बार छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं, बहुत ज्यादा डीप पढ़ने के चक्कर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कल्पना मूलक नाटक की, तो इसमें है अभिमारक, 6 अंक का है। मतलब ये भास ने कल्पना पर आधारित नाटक लिखी। राजकुमार अभिमारक और कुंती भोज की पुत्री कुरंगी की प्रेम प्रवाह का इसमें वर्णन किया गया है, ये कल्पना मूलक है। चारुदत्त, ये 4 अंकों का नाटक है। ब्राह्मण चारुदत्त और वैश्य बसंत सेना के प्रेम का वर्णन चारुदत्त में किया गया है, इनके कल्पना मूलक नाटक है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। कमेंट्स द्वारा बताइएगा मुझे कि आगे क्या आपको संस्कृत की आवश्यकता है। आपको उपयोगी लगा हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करने में 1 सेकंड का समय लगता है, आपको जब 10 मिनट वीडियो को देखने के लिए देंगे तो 1 सेकंड में प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। कृपया मिलते हैं अगले वीडियो में, साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।